थोड़ा जोर से बोलना प्लीज। ये जो ब्लेंड्स हमने तैयार किए हैं जी जी, ये होता है, ये 120 ml का कप है, ये जो छोटा वाला, गॉट इट। इसमें हम लोग 3 ग्राम यूज करते हैं ब्लैक, ओके, मेन होने से 2.5, गॉट इट। और ये हम लोग ब्रू करते हैं फॉर 5 मिनट्स, ओके, दिस वन इज फॉर 5 मिनट्स, ये टाइमर है हमारा, गॉट इट। तो ये हमारे ये पानी देके हम ये कवर्स है, ये हमारे टी टेस्टिंग कप्स है, ओके, दिस इज 150 ml, इसमें हम लोग 180 ml इसका, तो इसमें हम लोग 5 ग्राम यूज करते हैं, ओके, 180 में 5 ग्राम टी, ओके। अभी हमने ये सारा हमने गरम पानी डाला, 100 डिग्रीज में आप गरम करके फिर आप पानी उसमें करो, ओके, और उसको लिड दे दो आप फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, ओके। टाइमर जब खत्म होगा हम लेकर को कोल्ड करेंगे इस कप में, ओके, गॉट इट। उसके बाद इस कप से हम लोग टेस्ट करते हैं, गॉट इट, हम लोग सिप ले लेके कि हमारा वो फ्लेवर हमारा रिक्वायर्ड है कि नहीं। अगर हम दूसरा ब्लेंड कर रहे हैं, अगर नॉर्मल प्लेन है, कोई ब्लेंड नहीं है, एक एक ब्लेंड का अगर हम लोग जैसे होलसेल में सेल करते हैं, बल्क में सेल करते हैं, तो हम जस्ट चेक करते हैं उसको, ज़्यादा हीटेड अप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जला हुआ टेस्ट नहीं आना चाहिए। कभी कभी कोई बायर बोलते हैं हमको प्लेन चाहिए, क्योंकि वो अपना दूसरे फ्लेवर के साथ ब्लेंड करेंगे तो प्लेन होता है तो दूसरे फ्लेवर ज़्यादा हैवी होते हैं, right. वैसे right. तो उस हिसाब से रिक्वायर्स पर द बायर रिक्वायरमेंट हम अपना ब्लेंड्स तैयार करते हैं, ओके, कुछ चेंजेस करने यहाँ पे हम लोग उस कप को लगा के फिर जो चेंजेस करना होता है सॉर्टिंग है उसमें करके आपको चेंजेस करते हैं, गॉट इट। ये सारे हमने फ्लेवर्स आपको समझा देते हैं, ये हमने अर्ल ग्रे अगर आपने